दोस्तों नमस्कार, उत्तर प्रदेश मौसम की ताज़ा खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। IMD ने दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी करते हुए आगामी 24 से 48 घंटों के लिए एक बार फिर चेतावनी जारी कर दी है। अब दोस्तों आपको आगामी 24 से 48 घंटों तक उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में पश्चिमी विक्षोभ की सर्वाधिक सक्रियता देखने को मिलेगी। बीते कई दिनों से दोस्तों उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आपको कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही देखने को मिली, तो दोस्तों कुछ स्थानों पर गहरे काले बादलों के साथ हल्के से मध्यम बारिश का दौर भी देखने को मिला था। आगामी 24 से 48 घंटों तक उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले इस बारिश से सर्वाधिक प्रभावित रहने के आसार हैं और दोस्तों कितने दिनों बाद फिर से आपको उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटे में आपको उत्तर प्रदेश में कितने mm बारिश का दौर देखने को मिला था। दोस्तों चित्रकूट में आपको लगभग 2.5 mm बारिश बीते 24 घंटे में देखने को मिली। इसके अलावा आपको फुर्सतगंज में 0.5, इसके अलावा दोस्तों गाजीपुर में आपको 1 mm बारिश देखने को मिली, हमीरपुर में 7 mm और दोस्तों झांसी में 2 mm बारिश देखने को मिली। इसके अलावा भी दोस्तों आपको कुशीनगर में 42 mm बारिश देखने को मिली, लखनऊ एयरपोर्ट पर दोस्तों 5 mm बारिश, इसके अलावा दोस्तों मथुरा वृंदावन में आपको 1 mm के लगभग बारिश देखने को मिली थी और मोहना में आपको 0.5 mm बारिश देखने को मिली, सुल्तानपुर में दोस्तों 0.8, वाराणसी में भी 1.2 बारिश mm दर्ज की गई जो कि बीते 24 घंटे की उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बारिश मानी जा रही है। इसके अलावा भी कई अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों आपको छुटपुट बारिश की बौछारें देखने को मिली थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं आज रात भर कौन कौन से जिलों में आपको दोस्तों बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और हल्की फुल्की बारिश की बौछारें नजर आएंगी। दोस्तों आपको लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बाराबांकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट धाम, कौसाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली, बाराबांकी, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच और दोस्तों सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, प्रतापगढ़ और दोस्तों प्रयागराज, इनमें आज दोस्तों आज रात भर बादलों की आवाजाही आपको देखने को मिलेगी और कई स्थानों पर आपको जोरदार बारिश का दौर भी नजर आ सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम 25 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में आपको देर शाम तक बादलों की आवाजाही नजर आएगी। तो दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल को सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौसाम्बी, चित्रकूट धाम, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, कौसाम्बी, इन जिलों में ही दोस्तों आपको 25 अप्रैल को सिर्फ बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और इन ही जिलों में दोस्तों आपको बारिश की बौछारें नजर आएंगी। शेष उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों का मौसम 25 अप्रैल को पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान है। दोस्तों फिलहाल ये जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है इसकी वजह से आपको सिर्फ 25 अप्रैल तक ही उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग क्षेत्रों में ये मौसम की गतिविधियाँ नजर आएंगी। इसके बाद दोस्तों 26 और 27 अप्रैल दोपहर तक उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों का मौसम साफ रहने का अनुमान है। 27 अप्रैल दोस्तों दोपहर बाद से एक बार फिर आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक नए WD की सक्रियता देखने को मिलेगी जिसके कारण दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश के यानी कि पश्चिमी जो क्षेत्र है इसमें कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां फिर से नजर आएंगी। टेम्परेचर की दोस्तों अगर बात करें तो आपको आगामी दिनों में लगातार एक या दो दिन तक टेम्परेचर में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कुछ स्थानों पर आपको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तो दोस्तों कुछ स्थानों पर आपको 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी नजर आएगी। 27 अप्रैल से फिर से एक बार आपको टेम्परेचर में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों आगे जैसे ही नए नए अपडेट आते रहेंगे आपको लगातार वीडियोज के माध्यम से अपडेट करा दिया जाएगा।